नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइज, आप पार्टी स्पीकर बहुत सारे ब्रांड के देखते होंगे। सोनी की बूम बॉक्स पार्टी स्पीकर आती है, बहुत ही जबरदस्त रहती है। इसकी 360 साउंड क्रिएशन है, आपको साउंड आपको चारों तरफ मिलता है, बिकॉज ये सेंटर में आप रख के एक डीजे प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं। सर, बहुत सारी वेरियंट गाइज आती है, V13 आता है, V43 आता है, 73 आता है, 83 है गाइज जो सामने आपको दिख रहा है। इसके अलावा भी एक मॉडल इनकी आती है, V90। सो बहुत जबरदस्त स्पीकर है, साउंड क्वालिटी अल्टीमेट आती है, आप इसको बजा के कंप्लीट पार्टी का मजा ले सकते हैं गाइस। तो आज अनबॉक्स करते हैं, हालांकि ये पहले का लॉन्चिंग है, लेकिन मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए, जबरदस्त है। क्योंकि आज के दिन में लोग घर में ही पार्टी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें डे बाई डे अचानक ही रेडी हो जाती है पार्टी करने का इंतजाम। सो गाइज, मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज ये जबरदस्त होने वाला है साउंड वीडियो जो है। तो गाइस, काफ़ी शानदार लुक आपको सामने से दिख रहा होगा। इसके 360 में स्पीकर कॉन्फिगर की हुई है, तो आपको बैक फ्रंट चारों तरफ से साउंड मिलता है, जैसा आपको दिख रहा होगा इसका कॉन्फिगरेशन। ओपन करने से पहले मैं एक बार कॉन्फिगरेशन आपको डिटेल कर देता हूँ। सो गाइस, इसका मॉडल है MHC V83, जैसा आपको दिख रहा होगा सामने, V83 इसकी मॉडल है। इसमें सॉर्ट ऑफ कॉन्फिगरेशन क्या क्या कनेक्टिविटी है, बिकॉज आज के दिन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसकी कनेक्टिविटी पर सारा चीज़ डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों से आप प्ले कर पाएंगे। तो गाइस, ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, NFC सपोर्ट करता है, जो वन टच है, क्लियर ऑडियो सपोर्टेड है, DVD रोम इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं, DVD में गाने आप डायरेक्टली इसको प्ले कर सकते हैं, ऑडियो डिजिटल काम करता है, XBeat काम करता है, लाइव साउंड आप प्ले कर सकते हैं, डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड है। इसके अंदर जो चिपसेट है गाइस, सोनी तो ऐसे भी साउंड के लिए जाना जाता है जो जबरदस्त होता है, इसके अंदर डिजिटल साउंड इन्हांसर लगा हुआ DSE LDC टेक्नोलॉजी एंड HDMI MP3 कंट्रोलर के साथ में है। इनका जो ओन वॉकमैन होता है वो टेक्नोलॉजी भी इसके अंडर इंटीग्रेटेड है, एंड्रॉयड लोडेड आप उसके वर्क कर सकते हैं उसके थ्रू में, आईफोन एंड एंड्रॉयड दोनों बोथ आप कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलता है गाइस। उसके लिए आपको ऐप्स आपको है वो बता देता हूँ मैं, ये ऐप्स डाउनलोड करेंगे। म्यूजिक सेंटर आपको ऐप्स आता है, एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करेंगे, जो आप दोनों के लिए अलाउड है, एंड्रॉयड फोन के लिए दोनों के लिए रन करता है। सो गाइस, अनबॉक्स करते हैं और उसको देख के मजा लेते हैं कैसा है। आपको अनबॉक्सिंग भी कैसे करना है, बिकॉज आप घर में जब ले जाते हैं इसका इंस्टॉलेशन नहीं होता है, आपको खुद ही ओपन करना होता है, तो आपको वो भी चीजें जाननी चाहिए। सो गाइस, आप देख रहे होंगे अल्टीमेट पैकिंग है, कुछ भी नहीं होना है, जिस हिसाब से पैक्ड है। इसके साथ में जो आपको दिया हुआ है मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ये पावर केबल साथ में आता है, ये FM एंटीना है गाइस, FM भी इसमें सपोर्टेड है, आप FM का एंटीना लगाएंगे, अगर आपके एरिया में FM चल रहा होगा तो बिंदास आप FM से भी गाना सुन सकते हैं। रिमोट की दो बैटरी है, रिमोट साथ में रहता है, इसमें बहुत सारे मोड हैं प्ले करने के लिए, तो वो बाद में आपको समझाएंगे। ओपन करते गाइस। सो गाइस, इसको फोल्ड कर लेंगे बॉक्स को और इसको जस्ट उलट लेंगे। तो ऐसे खोलने से गाइज बहुत सिंपली बाहर निकल जाता है और आप कंफर्टली आप ओपन कर लीजिएगा। सो गाइज, घूंघट हटाने का टाइम आ गया है, अब फीता काटते हैं और उसको देखते हैं कैसा है इसका। सो काफी शानदार लुक के साथ है गाइज, दिखता होगा जबरदस्त 360 साउंड जनरेटेड दिखता है गाइज, सामने से आपको दिख रहा होगा, ट्यूटर दो सामने लगे, स्पीकर है आपको दो ट्यूटर फ्रंट में भी दिख रहा है, जबरदस्त बूफर है, काफ़ी बड़ी साइज की बूफर है, इसका एयर क्रॉसिंग आपको दिखता है, काफ़ी सामने से टॉप काइंड ऑफ चीज़ें दिखती हैं आपको, जो डिज़ाइन की हुई है उससे बहुत ही हेवी फील क्रिएट करता है। साउंड भी गाइज आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, मैंने बहुत सारी वन बॉक्स देखी है, इनकी जो साउंड होती है वो सोनी भी ऐसे भी आपको पता है जबरदस्त साउंड होती है। एक बार आपको बैक एंड साइड व्यू दिखाते हैं, इसमें जो लाइट का पार्टी लाइट है वो भी एक आपको डीजे लाइट क्रिएट करता है, आपके फ्लोर को पूरी कलर लाइट से भर देता है। सो गाइज, ये लेफ्ट साइड है, जैसे यहाँ पे आपको माइक का पोजीशन दिया हुआ है, ये माइक का यहाँ होल्डर है, इनफैक्ट ये बोथ साइड है, दोनों साइड में आपको माइक होल्डर मिल जाता है। ये लाइट लगी हुई है जिसके थ्रू आपको साइड में भी लाइट एंड बैक साइड लाइट क्रिएटेड होगी। आपको एक बार बैक साइड दिखा देते हैं इसकी, ये बैक साइड है, काफ़ी सारी हीटिंग ग्रिल दी हुई है,
बूफर एरिया में ग्रिलिंग है, नीचे आपको व्हील दिया हुआ है गाइस, सो आपको कभी भी इधर मूवमेंट करना है, मैं आपको बहुत इजीली आपको मूवमेंट करके दिखाता हूँ इसके अंदर में। पावर का पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पावर प्लंट यहाँ लगाने की जगह है। यहाँ गाइस एक और लाइट है जो बैक साइड लाइट क्रिएट करेगी, ये लाइट जो है आपको, सो इनकी बैक एंड फ्रंट दोनों लाइटें दिखती है। यहाँ पे प्लग करने की जगह दी हुई है, जैसा आपको दिख रहा होगा FM कनेक्टिविटी है, HDMI कनेक्टिविटी है, जो TV के थ्रू भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। एक बार आपको इसका हैंडलिंग बताता हूँ गाइस, काफ़ी कम्फर्टली मूव करता है। ये बैक स्पीकर आपको दिख रहा होगा, बैक साइड में दो अप फायरिंग स्पीकर लगी हुई है, सो आपको सराउंड साउंड भी क्रिएट करेगा, अप साइड से साउंड क्रिएट आनी है इसकी वजह से। ये चीज़ें तो आप बजाएंगे जब डेमो लेंगे, तभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आएगा। ये दूसरी साइड है इसकी, यहाँ भी लाइट फिटेड है, यहाँ भी एक माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, सो दो माइक एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस काफ़ी हैवी है, ऐसे तो उसको मूवमेंट करना बहुत टफ है, लेकिन यहाँ व्हील के वजह से आप जस्ट ये मूवमेंट करेंगे और एक हाथ से आप देख रहे होंगे गाइस मूवमेंट हो सकता है। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, पूरा वेट व्हील पे चले आता है और काफ़ी बढ़िया ग्रिप दिया हुआ है पकड़ने के लिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये इलाका पकड़ के जस्ट मूवमेंट कर सकते हैं। सो काफ़ी इसके वजह से लाइट वेट हो जाता है, कोई भी आराम से इसको मूवमेंट कर सकता है। सो गाइज यहाँ है टच पैनल, आपका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू में आपको वाटरप्रूफ है, IPX4 के साथ आता है, इसमें पानी से भी डैमेज नहीं होना है, पूरा वाटरप्रूफ आपको सामने दिख रहा होगा, सील है, कहीं भी कोई पानी जाने की अंदर इनसाइड जगह नहीं है। इसके बारे में ऑन करके आपको बताता हूँ, यहाँ कनेक्टिविटी शॉर्टकट बता देते हैं, जो दो माइक लगाने की जगह है प्लस पेन ड्राइव यूज़ करने की जगह आपको दिख रही है सामने से। यहाँ इनफैक्ट गिटार और माइक यूज़ कर सकते हैं या दो माइक यूज़ कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन चाहिए, गिटार दिख रहा होगा, तो ये चीज़ें बटन आपको ऑन करके बताता हूँ तभी समझ में आएगा। सो गाइस आपको फ्लोर पे दिख रहा होगा जो DJ लाइट क्रिएशन है, पार्टी लाइट ज़बरदस्त क्रिएट करता है, सो इससे आपको एक माहौल क्रिएट कर देता है अकेला, एक सिस्टम जो है और पार्टी जनरेट करता है। इट्स ए पार्टी स्पीकर, बूम काइंड ऑफ स्पीकर है, जैसा आपको सामने दिख रहा होगा, चारों तरफ से लाइटिंग आपको दिखती है, इनपे पूरी राउंड क्रिएट करता है लाइट का। एक बार आपको सामने टच पैनल का डिटेल कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पावर बटन दिया हुआ है, जैसा दिख रहा है टैंगो बटन है, इसको ऑन करने से आप इसमें तबला एंड उसका जो टैंगो का साउंड है वो बजा सकते हैं। यहाँ प्लेबैक है, सिंपलीफायर है, DJ क्रोके एंड प्ले करने का फंक्शन, कनेक्टिविटी जो ब्लूटूथ एंड USB एंड HDMI से प्लग करेंगे, ब्लूटूथ केयरिंग के लिए जगह है, वॉलेस पार्टी चैन, अगर चार स्पीकर एक साथ कनेक्ट करना है उनके लिए ये चीज़ें दी हुई हैं, प्लस मेगा बास ऑफ ऑन कर सकते हैं वहाँ से। फिस्टा मोड है जिसमें गाइस आप डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड म्यूजिक का मोड है वो यूज़ कर पाएंगे। यहाँ माइक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम एंड माइक है, इससे कनेक्टिविटी करके आप इको माइक एंड गिटार की फिटिंग है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कनेक्टिविटी दी हुई है। इसमें दो पोर्ट है, एक माइक, दूसरा भी माइक यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सेकंड ऑप्शन गिटार है। मैं आपको माइक भी प्लग करके माइक का भी ऑप्शन दिखाता हूँ, ये माइक जस्ट प्लग हो जाएगा, पर यहाँ इको जो उसकी सेटिंग है वहाँ से आप कर सकते हैं, इको कम बेसी आप अपने अनुसार जैसे ज़रूरत है वैसे, जैसे वोकल क्रोके यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर पाएंगे। सो गाइज मोस्ट आपको जो फंक्शन सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑन है अभी, जैसे मैं सिंपलीफायर में है प्लेबैक ऑन कर ले रहा हूँ, DJ मोड में था। यहाँ आपको दिख रहा है प्लेबैक के ऑप्शन जो है, प्लेबैक का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, फॉरवर्ड प्ले एंड पॉज का ऑप्शन है, स्टॉप का ऑप्शन है, वैसे DJ का ये सारी ऑप्शन है, सिंपलीफायर का ऑप्शन है एंड क्रोके में जाएंगे तो आप इनकी चीज़ें ऑप्शन है, उसके अनुसार इस मोड को यहाँ सेलेक्ट करेंगे जो कीबोर्ड दिख रहा है और वैसे वो एक्ट करेगा। सो ये कंप्लीट सिस्टम है आपको DJ एंड सिंपलीफायर क्रोके यूज़ करने के लिए, इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सिस्टम होती है गाइस। एक बार थोड़ा सा आपको चीजें DJ एंड बाकी सिंपलीफायर यूज करके आपको बताता हूं मैं। सो गाइस मैंने टेंगो ऑन कर लिया है, जैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइट दिख रहा होगा और आप इसको आप यहां बजा सकते हैं, जैसे ये दिख रहा है, गाइस मुझे बजाने नहीं आता इसलिए जो बजाने वाला टेंगो उसी को पता होगा कैसे इसको यूज करना है, तो ये बटन आप ऑफ कर लेंगे, टेंगो हम लोग बजाने नहीं आता है। नाउ हम लोग प्लेबैक सिंपलीफायर यूज़ करते हैं, सिंपलीफायर में आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट साउंड आता है। सो गाइस आपको दिख रहा होगा जैसे सिंगल हैंड मूवमेंट करेंगे तो आपको साउंड आएगा, चुंगे के साउंड चाहिए तो ये सामने ऐसे मूवमेंट करेंगे, आप पॉज करेंगे तो उसकी डिफरेंट साउंड होगी, फ्लाइट करें
सो डिफरेंट डिफरेंट मोड है एंड डिफरेंट साउंड क्रिएट होता है। प्लेबैक में आप जैसे गाना अगर यूज कर रहे हैं उसमें आप कंट्रोल कर पाएंगे यहाँ से। तो गाइस माइक कनेक्ट कर लिया हूँ, अदरवाइज मेरी साउंड आपके तक नहीं आ पाएगी बिकॉज बहुत साउंड है। तो इस गाने का नेक्स्ट गाना करते हैं, जस्ट आप हैंड को स्लाइड करेंगे कि नेक्स्ट गाने में चला गया। गाइस वापस प्रीवियस नेक्स्ट गाने पे जाना है, फिर से आप उल्टा रिवर्स करेंगे। ये आपका प्रीवियस गाना बज रहा है, स्टॉप करते हैं। सो गाइस गूगल प्ले स्टोर से आप जाके सोनी म्यूजिक सेंटर आप एप्स डाउनलोड कर लेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा सिंबल, आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। इसके अंदर में आप V83 आपको मॉडल दिख रहा है, ये कनेक्ट कर लेते हैं। सो गाइज इसको कनेक्ट होने के बाद आपको दिख रहा होगा माई लाइब्रेरी, फिस्टा डिस्क है, USB है, FM ट्यूनर है, ऑडियो इन, TV, एवरीथिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं बाई अपने मोबाइल के थ्रू। और सारी चीज़ें यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो फिस्टा आप अभी सामने मैं यूज़ कर रहा था DJ एंड प्लेटफॉर्म, वो सारी चीज़ें यहाँ से भी यूज़ होगी। आपको दिख रहा होगा DJ है, मिनट लाइट कंट्रोल है, करोके है, पार्टी प्लेलिस्ट है, मोशन कंट्रोल है। मोशन कंट्रोल में आप मोबाइल से जहाँ से भी बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस इसको अगर पूरी डिवाइस को डेमोस्ट्रेट करेंगे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है, एक्सपेरिमेंट करने वाली है, जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मज़ा आएगा इसके साथ में। सो काफ़ी शानदार फीचर है ये। सो गाइस एक बार आपको बेस चेक कराते हैं इसकी, क्या बेस है, क्या ज़बरदस्त साउंड क्रिएट करता है आपको फ्लोर पर। छोटे मियाँ को बुलाते हैं, एक आपको गुनगुनाता हुआ सॉन्ग दिखाते हैं। इसकी क्रोके फीचर जबरदस्त है, मुझे गाने नहीं आता इसलिए मैं गाना आपको छोटे कलाकार से सुनाता हूँ। इसका इको मोड थोड़ा तगड़ा कर देते हैं, इको मोड चेंज करने की जगह है यहाँ पे वॉल्यूम कम कर ले भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। आपको ऑलमोस्ट वो सारी फीचर मिलती है जो एक जबरदस्त सिस्टम के अंदर होती है। हाँ भाई मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। सो गाइज आपने देखा गुनगुनाने के लिए घर में आपको इमेजिक सिस्टम की जरूरत है, कितना जबरदस्त मेरा छोटा भाई गाया है, जबरदस्त है। घर के अंदर में आप एक म्यूजिक सिस्टम रेडी करके आप एक इन्वायरमेंट रेडी करते हैं, सो एंजॉय करने का जबरदस्त सिस्टम है। सो गाइस आपको सुन के जबरदस्त मजा आया होगा, आपको कंप्लीट एक घर में आपको किसी की जरूरत नहीं है, ये वन ऑल इन वन प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, जैसे मैं बताया हूँ V13 एक मॉडल आएगा जो लमसम 19,000 के आसपास आता है, उसके ऊपर में V43 आता है वो 38 के आसपास में, 40 के आसपास उसका रेंज है। फिर उस ऊपर जाएंगे तो V73 है जो आपको मेरे सामने वहाँ दिख रहा है, ये लगा हुआ है V73 है, वो इसका छोटा जस्ट भाई है, वो 52-51 के आसपास में आता है। ये गाइज 83 मॉडल है, ये लमसम 61 से 62-63 हज़ार के आसपास में आएगा आपको। इससे एक प्रीमियर है ये वो V90 है, वो नियर अबाउट 70 के अबव आता है, वो 2000 है, ये 1800 है, वो 1500 है, 1200 है, 600 गाइस, जैसा जितना पैसा डालोगे उतना आवाज़ आनी है, इसमें सिंपल सी बात है। बट ये एक म्यूजिक सिस्टम हर घर में होनी चाहिए, ये अपने आप में गुनगुनाने की ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। सो गाइस आपको ये परचेस करना है तो मैं नीचे लिंक दिया हूँ, मेरे लिंक से आप परचेस करेंगे, मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, उसे मोटिवेशन बनता है नई वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस मेरा वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।